मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह पर लगातार हमलावर है और विक्रमादित्य सिंह पर निजी हमले भी बोल रही है। वहीं इसको लेकर अब विक्रमादित्य सिंह की ओर से कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा गया है और कंगना से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। साथ ही कंगना रनौत के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की भी मांग की गई है। विक्रमादित्य सिंह के वकील देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कंगना रनौत द्वारा मंडी कुल्लू में जनसभाओं में विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इसको लेकर उन्हें लीगल नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा गया है। यदि वह माफी नहीं मांगती तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चुनाव आयोग को भी कंगना के खिलाफ 25 से ज्यादा शिकायत दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है। श्री विक्रमादित्य सिंह जी के इंस्ट्रक्शन पे हमने कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उसने पब्लिकली करसोग मंडी सरकार घाट जहाँ भी पब्लिक रैली कर रही है वहाँ व्यक्तिगत रूप से डिफामेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि क्लियरली डिफामेशन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके द्वारा पहले भी लीगल सेल के द्वारा चुनाव आयोग में उसकी कंप्लेंट की गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने उसे लीगल नोटिस भेजा है जिसके तहत उसे ये कहा गया है कि वो पब्लिकली विक्रमादित्य सिंह से अपोलॉजी टेंडर करें। जिस वे में उन्होंने डिफामेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है उसी वे में वो उनसे माफ़ी मांगे। हम अपनी कानूनी तौर पे जो भी क्रिमिनल और सिविल जो भी डिफामेशन के लिए लीगल रेमेडी होगी वो परस्यू करेंगे। मेला में डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक रैली की जहां उन्होंने उन्हें छोटा पप्पू कहकर संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने शहजादा ड्रग एडिक्ट और अन्यथा महिला विरोधी और विशेष रूप से उन्होंने उनकी व्यक्तिगत जो जीवन है उसके ऊपर उन्होंने लांछन लगाए हुए हैं। उसको पब्लिकली उसके बारे में उन्होंने महिला विरोधी के रूप में उनके चरित्र को प्रस्तुत किया है ताकि जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल हो और उनको बदनाम करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और ये सब उन्होंने जानबूझकर विद मालाफाइड इंटेंशन उनके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कही गई है। हालांकि हमने अभी चुनाव आयोग में उनके खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की थी और लीगल नोट्स भी आज भेज दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य कार्रवाई होगी उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चुनाव लीगल सेल के द्वारा कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के द्वारा 25 से अधिक कंप्लेंटें उनके खिलाफ की गई हैं पर आज तक एक भी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इसका विक्रमादित्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि चुनावों में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए स्टेटमेंटें दी जा रही हैं और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, क्योंकि वो एक सामाजिक रूप से ना केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनको बदनाम करने की हर कोशिश भाजपा प्रत्याशी द्वारा की जा रही है ताकि नए वोटर्स और समाज में उनकी छवि धूमिल हो। हमने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उनके सम्मुख उठाया हुआ है और हमने सही स्पष्ट रूप से शब्दों में मांग की है कि उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि स्पष्टतः उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य जो हैं वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। सर कोई टाइम हमने लीगल नोट्स के माध्यम से कहा है कि वो तुरंत माफ़ी मांगे और क्योंकि और अभी एक हफ्ते के अंदर ये माफ़ी मांगी जानी चाहिए।